शर्म नहीं आ रही ना आपको जैकेट पहने घूमते हुए? मम्मी और कंबल ले लेते तीन चार। और एग्जाम खत्म होने की खुशी में वानी मुझे पार्टी दे रही है और एयर सार में मेरे लिए वानी ने बनाया पनीर टिक्का। ये तो अभी इसको वानी डॉक्टर के पास लेके जा रही है, देखते हैं डॉक्टर पर एक्सरे देखेंगे ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे ही मैं वेलकम बैक टू आवर चैनल बोलता हूँ या कोई भी ब्लॉग शूट करता हूँ तो हमारे ना भांडे टिंडे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रथा है हमारे घर में। सो सच बताना, जनवरी में दिल्ली में कौन कौन रहता है और किस किस का नहाने का मन नहीं कर रहा? जैसे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा। मैं सुबह से उठा हूँ और मैंने गीजर भी ऑन करके रखा और मैं आधे घंटे पौने घंटे से ही सोच रहा हूँ कि मैं नहाऊं कि ना। यू नो, एक हिम्मत जुटानी पड़ती, जज्बा जैसे माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता कि यार मैं नहाना, बिना नहाए ऑफिस नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो यही कर रहा हूँ मैं सुबह से। आप कैसे नहाती प्लीज मुझे बताइए। और वानी के रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ कि जब उसको ठंड लगती है तो वानी क्या करती है। वानी जैकेट किसकी है? इधर मुंह करके बोलो। मेरी। शर्म नहीं आ रही ना आपको प्लीज जैकेट पहन के घूमते हुए? अब देखो रिएक्शन देखो। नहीं देखो तो और मम्मी को देखो भाई, सुमड़ी में गुमड़ी बना के बैठी मम्मी। मम्मी और कंबल ले लेते तीन चार, ये ले रखा है, ये ले रखा है, ये रजाई भी मम्मी डालती है अपने रात को। और ले लो, मुंह तो बाहर निकाल लो थोड़ा सा, इतनी ठंड लग रही है आपको? और क्या, नहाने को दिल नहीं कर रहा। सबका यही हालत। भाभी का पता नहीं बेचारी स्कूल कैसे गई है आज। जिसने भाभी का की फ्रेंड का बर्थडे वाला ब्लॉग देखा ना, उनको पता होगा कि मान ने तीन दिन से बाल ऐसे बाल रखे, तीन दिन से नहाई है। यही बाल ऐसे निशा ने बनाया और तब से ऐसे ही सोई भी इसी में। हाँ बिल्कुल सही। अभी दोबारा दिखाऊंगा, आज का डेट नोट कर लो। ऐसे पड़ेगी, ये देख लो, ये अबैकस जा रही है इतने टाइम से और ये लेट के पढ़ रही है, माँ पढ़ा रही है, ठीक है, माँ बैठ, माँ तक भजन भी सुन रही है। हिल क्यों रही है तू, जागरण नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी तक नहीं हो रही ना इससे, प्रैक्टिस नहीं करती है। मार मार के पीछे, वहाँ पीछे सेट कर दे, जब जो जो जगह नहीं वहाँ पीछे बेड के पीछे। 9, 22, 9, 83, 22, 9, 5, 3, 5। So, देखो गाइस, आज ना मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं और एग्जाम खत्म होने की खुशी में वानी मुझे पार्टी दे रही है। उसने अच्छी सी मूवी लगाई है हाय पापा मेरे लिए, हम लोग हाय पापा देख रहे हैं, ये मेरी बेटी के साथ। और मेरे लिए एटलीस्ट 4000 करोड़ साल बाद एयर फ्रायर यूज हो रहा है और एयर फ्रायर में मेरे लिए वानी ने बनाया पनीर टिक्का। बाबू क्या बना रही मम्मी? मानी कैसे रोकते हैं इसको? पनीर टिक्का बन रहा है हमारे यहाँ, यही पार्टी दे रहे वानी बस? आज मेरे एग्जाम खत्म, बस यही पार्टी दोगे? और वो गजरेला बन रहा है जो? अच्छा हाँ, ओए होए, पापा बना रहे हैं सुबह से बैठे 7 बजे से, ये देखो गजरेला बन रहा 7 बजे से, अभी का टाइम हो गया शाम के बज के 6। वानी ने इस सीजन की चौथी कढ़ाई बनाई है ये। सच से बता दे भाभी का, आप बताओ कौन सी? पांचवी। बोल दे, सर्दी सर्दी तो खाना होता है। देखो वो भी हंस रहा है। और बस मम्मी सच से बता दो कौन सी कढ़ाई है? तीजी वाली चौथी। ओ भाई मुझे मारो। तीन कढ़ाइयां किसने लगा गई मेरी बीवी और फिर कहती है मेरा पेट अंदर नहीं हो रहा। कैसे होगा है? हो जाएगा क्यों नहीं होगा? मतलब वानी ने तीन कढ़ाई गजरेला खाई। अकेले मैंने खाई है ना, मतलब मैक्सिमम तो आप ही खाते हो। ओ बन गया, बन गया, बन गया वानी। थोड़ा सा रह गया। ओए होए, आ जाओ जिसने पनीर टिक्का खाना है। और ये मेरी मम्मी पड़ोस में गई थी, सड़क पे बैठ के मेरे लिए बैंगन भून के लाई है। ये देख रहे हो ठंड में गर्मा गर्म पनीर टिक्का और धुआं निकलता है बीबी की मेहनत के साथ, और ये 5 सितारा होटल की तरह सर्व किया हुआ प्याज और चटनी के साथ। तो मैडम आप खाएंगे, पसंद करेंगी या मैं अकेला ही सारा खा जाऊं? खा जाऊं पक्का? नहीं। भाभी का और मैं पनीर टिक्के का मजा लेते हुए। ये टाइम देख लो, मैंने 6 बजे दिखाया था तभी गजरेला बन रहा था। मेरे पापा बेचारे इसमें खर्ची मार रहे हैं, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे लगते ही है, 2.5-3 घंटे लगते हैं। क्या जिंदगी आ गई, बहु मजे लूटेगी और ससुर बेचारा गजरेला बना रहा है। शर्म कर बूढ़े को लगाया तूने। मानी शर्म नहीं आ रही आपको, बुजुर्ग आदमी से गजरेला बना रहे 2.5 घंटे से, पैरों के बाहर आदमी बैठा हुआ है, पैरों के बाहर स्टूल है, 50 रुपए का बाहर चले के खा ले। बाहर का मजेदार नहीं होता, पापा के हाथ का स्वाद है ना। सही है भाई, सही है। ये देखो भाभी का कैसे सोई हुई है आंखें बंद करके, और टाइम हो रहा है 10:45। अब इसकी पीछे कहानी क्या है? बाबू आज आप इतनी लेट तक कैसे हुए हो, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, पैर दिखाओ, ये देख रहे हो कैसे सूजा हुआ है पूरा, ये देखो पूरा पैर सूजा हुआ है। और ये कल क्या कर रहे थे, कल इसका पैर स्लिप हुआ, बहुत बुरी तरह। पहले जो आपको मैंने पहले व्लॉग में बता रखा है उसका ये वाला पैर था, यहाँ सूजन थी, और अब जाके ये वाली सूजन आ गई है। तो अभी इसको वानी डॉक्टर के पास लेके जा रही है, मुझे लगता है दोबारा पता नहीं, आई डोंट नो, या तो पट्टी चढ़ाएंगे या तो प्लास्टर चढ़ेंगे। भाई क्या कराया तेरे पैरों पे हैं?
हर दो दिन बाद तेरे पैरों पे कुछ ना कुछ होता रहता है। बताओ मम्मी क्या दिक्कत है आपके पोती के पैरों में? पता क्या मुसीबत है सच्ची, कभी एक पैर कभी दूसरा पैर, क्या दिक्कत है आपकी बेटी की, क्या ग्रह चक्कर है? पोती इतना है क्या बोले, इसको कितनी बार बोला कि आराम से चलना आराम से चलना। और कल भी डांस करती हुई आ रही थी, डांस करते करते जा रही थी एकदम पैर स्लिप हुआ। तो अभी डॉक्टर के पास जाओगे फिर देखते हैं, 12 बजे जाते हैं। ठीक है ठीक है, बताओ। भाविका, ओ भाविका सो क्यों रही है, दर्द हो रही है? देखा पैर, देखा कौन सा पैर? क्या हुआ? नहीं बाबू अब तो एक्सरे हुआ ना, अभी देखते हैं ना, दिखा। स्वेलिंग हो रही है ना, देखते हैं डॉक्टर पर एक्सरे देखेंगे ना। नहीं नहीं इंजेक्शन नहीं लगेगा, अभी एक्सरे देखेंगे ना फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। इसका ना मांस फट गया, डॉक्टर कह रहे हैं तो थोड़ा प्लास्टर लगाना पड़ेगा 15 दिन का। फिर प्लास्टर लग रहा है आपको 15 दिन का? अब क्या करते हो आप? डॉक्टर ने बोला पैर नीचे करने को, डॉक्टर ने बोला है चल। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा ना नीचे से मोटा तो चल चल। देखो मेरे को ऑफिस से आना पड़ गया फूफी को लेने के लिए, ये देखो जानबूझ के हंसी है, वैसे मुंह बना रही थी, रो रही थी ये देखो। लेकिन डॉक्टर ने बोला है तो स्कूल जा सकते हो, ठीक है ना? तो स्कूल जाना है, स्ट्रांग बनना है, गिव मी या। पर मैं जूते कैसे पहनूं? बिना जूते के जाना, ठीक है? वो आपके पास है ना चप्पल, वो बड़ी वाली, ठीक है? एक शूज और एक चप्पल। डॉक्टर ने बोला इसको हेल्दी खाने के लिए, दूध पीने के लिए, ठीक है? अब बाहर का नहीं खाना कुछ भी, दूध रोज पीना है, ओके? मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगा? ट्यूशन आज तो मत जाओ, स्कूल जाने के लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि आप स्कूल जा सकते हो, बस पैर ऊपर करके बैठना है, ओके? चलो खाओ खाओ खाओ, फ्रूट खाओ थोड़ा सा, फिर खाना खाओ, दूध पियो रोज। और मैं बैठ के लोगो गेस कर रहे हैं सारे, इसको रटे हुए हैं, चीटिंग है तुम। हर्षीज 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 चॉकलेट है, पता नहीं क्या है, बताना। भाई रात के ना 12 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, और सोने की बजाय यहाँ पे ये वानी खा रही हलवा, ये खा रहा ग्रेप्स, ये देखो और टाइम देखो 11:15। क्या बंदा है भाई तू, सो गया तो फिर सोता क्यों नहीं है, सोता क्यों नहीं है? सो जा, चुप चुप। बाय क्रियान, बाय भाविका, भाविका बाय करो, पापा बाय, बाय पापा, बाय बाय, गुड नाइट।